तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि इसमें क्या है कि बेसिकली द इलेक्ट्रिक करेंट इन ए सर्कुलर कॉयल ऑफ 4 टर्न प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड 32 टेस्ला। मतलब अगर एक इलेक्ट्रिक करेंट है, ये सर्कुलर कॉयल है, और इस सर्कुलर कॉयल में जो इलेक्ट्रिक करेंट है वो यहाँ से तुम देखोगे तो करेंट आई यहाँ से फ्लो हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड बी यहाँ पर तुम जो है वो 32 टेस्ला। तो 32 टेस्ला इज इक्वल टू, देखोगे तो इसको म्यू नॉट आई और यहाँ से टू टू देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड पड़े 2 R और ये नंबर ऑफ टर्न्स N है। ठीक है, कहता है इलेक्ट्रिक करेंट इन ए कॉयल प्रोड्यूस में एट द सेंटर, मान लो रेडियस इसका R था तो नंबर ऑफ टर्न्स 2 है, तो यहाँ से 4 टर्न्स है, तो म्यू नॉट आई यहाँ से 2 R और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 32। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। इसको ऐसे ही अभी छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये रहा केस फर्स्ट। केस सेकेंड में क्या हुआ, क्वाइल इज अनवाउंडेड एंड इज रीवाउंड इन ए सर्कुलर क्वायल ऑफ सिंगल टर्न। तो पहले जब 4 टर्न था तो रेडियस मान लेते R1 था, अब सिंगल टर्न इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे 4। अब जब सिंगल टर्न बनेगा तो ये जो सिंगल टर्न है भाई, सिंगल टर्न है वो रेडियस R2 है, तो इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड सेम करंट में फ्लो कराता हूँ तो B पर मैग्नेटिक फील्ड B2 बना, तो इस B2 की वैल्यू हमें निकालनी है। दिस इज द B2 B'। तो सबसे पहले अगर देखोगे इसका लेंथ L है तो L की वैल्यू कितनी होगी, 2 πr2। ठीक है, दूसरे केस में अगर 4 टाइम्स करोगे L डैश की वैल्यू 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी पहले वाले केस 2 πr1 यहाँ से। तो यहाँ से तुम देखोगे कि ये जो L है बेसिकली, अरे भाई मैं रेडियस में रिलेशन निकाल रहा हूँ यार, ठीक है आ रहा समझ में। तो ये जो लेंथ है चार चार गुना घुमा दिया दूसरे केस में, तो वो लेंथ 4 टाइम्स कट जाए तो ये L की वैल्यू आ जाएगी तो 2 πr1 × 4। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ तो 2 πr2 सिंगल टर्न और 4 π × 2 πr1, तो 2 π ने 2 π को यहाँ से ख़त्म हो गया, तो यहाँ से जब R2 की वैल्यू देखोगे तो 4 times R1 के इक्वल आ जाएगा यहाँ से। तो R2 की जो वैल्यू है यहाँ से तो 4 times R1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड B' की वैल्यू बनेगी वो म्यू नॉट आई और यहाँ से 2 R2 बनेगा। B' मान लेता हूँ, B2 मान लिए थे, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, आप यहाँ वेरिएबल कंसिस्टेंट रखो। तो बेसिकली तुम देखोगे यहाँ पर तो ये म्यू नॉट आई और 2 R2, तो R2 की वैल्यू यहाँ से म्यू नॉट आई और 2 times R2 की वैल्यू कितना है, 4 times R1 है, तो 4 times R1 1/4 इधर कोपचे में ले लो तो म्यू नॉट आई और 2 R1, और म्यू नॉट आई 2 R1 की वैल्यू ऊपर देखो कितना है तो 1/4, और यहाँ से ये म्यू नॉट ये वाली जो वैल्यू है वो वहाँ से उठा के रखोगे तो यह आ जाएगा 32/4, तो यह आ जाएगा 32/16, तो यह आ जाएगा 2 times। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो B2 की वैल्यू आ जाएगी वो 2 टेस्ला अब आ जाएगी, पहले कितनी थी 32 टेस्ला थी, तो ये ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।